हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो भाई जैसा कि आपको सभी को पता होगा, सोनेट का न्यू मॉडल कुछ ही महीने दिन पहले अनवील हुआ था। तो फाइनली कल इसका रेट वगैरह सब कुछ आ चुका था, तो फाइनली कंपनी इसको लॉन्च कर चुकी है। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल वॉक अराउंड करेंगे, इसके प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में सब कुछ बात करने वाले। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो भाई बिल्कुल चैनल को बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल भी मत जाना। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, जो अपने पीछे बिल्कुल बिल्कुल बेस मॉडल है, जो HTE मॉडल आता है, ठीक है, पेट्रोल मॉडल अपना ये। तो इसमें आपको पेट्रोल, डीजल और टर्बो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें आपको। तो अगर मैं शुरुआती कीमत की बात कर सकता हूँ, तो भाई जो एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी के, वो है 7.99 लाख ऑन रोड। बाकी जो ऑन रोड प्राइस है भाई, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। तो भाई बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट से, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम गाड़ी के हेडलाइट के बारे में। इसमें नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट मिलते हैं, लो बीम, हाई बीम और नॉर्मली अपने इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने जो फॉग लैंप है वो भी हेलोजन मिल जाते हैं। यहाँ पे ना आपको ये ग्रे एक क्रोम फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे क्या जो टॉप मॉडल होता है ना, उसमें आता है इसमें DRLs, ठीक है। बट बेस मॉडल बिल्कुल बिल्कुल बेस मॉडल है HTE मॉडल, तो इसमें कुछ भी आपको DRLs वगैरह नहीं मिलते हैं। तो भाई गाड़ी की हेडलाइट कुछ कुछ ऐसी है। और भाई जैसे कि आप देख सकते हो, बॉनट के ऊपर 3D कर्व डिजाइन दिया हुआ है। यहाँ पे 3D किया का लोगो दिया हुआ है, वही अपने टाइगर नोज इंस्पायर ग्रिल यहाँ पे वेंटिल के लिए, और नीचे बम्पर की स्किड प्लेट। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो मिलते नहीं है। हालांकि जो टॉप इससे टॉप मॉडल में जाओगे उसमें आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो भाई बात करते हैं गाड़ी की साइड की। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ, कुछ गाड़ी कुछ साइड प्रोफाइल ऐसी लगती है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले टायर साइज की, तो जो गाड़ी में टायर साइज मिलता है भाई, बेस मॉडल जैसे मैंने आपको बताया, तो 195/65 R15 15 इंच के टायर विद स्टील रिम और व्हील कैप आपको लगी हुई मिलती है। इंडिकेटर्स अपने फेंडर के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। जो अपने ORVM से वो फोल्ड अनफोल्ड आपको नहीं मिलते, वो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। बट हाँ, जैसा कि बेस मॉडल है, तो आपको जो मिरर्स है ना, वो आप उनको अपना इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकती हो, ठीक है। गाड़ी की बात करूँ भाई, तो वही सिंपल थोड़ी की देख के थोड़े आप निराश हो जाओगे। ये देखो भाई, कुछ ऐसी गाड़ी की मिलती है आपको। जो डोर हैंडल्स वो बॉडी कलर मिल जाते हैं, तो आपको कुछ भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता नहीं, क्योंकि बेस मॉडल। तो भाई गाड़ी के अंदर जाने के लिए आपको गाड़ी की से ही लॉक अनलॉक गाड़ी अपनी करनी पड़ेगी। जो अपने पिलर्स हैं वो अपने ब्लैकआउट किए हुए हैं। ऊपर आपको रूफ रेल कुछ भी नहीं मिलती है। और अब आ जाते हैं गाड़ी के एक बार पीछे की तरफ। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, गाड़ी बिल्कुल बेस मॉडल है, तो इसमें ना तो आपको रियर वाइपर मिलेगा, ना डिफॉगर मिलेगा, ना आपको ऊपर स्पॉइलर मिलेगा, और ऊपर ना शार्क में एंटीना भी नहीं है। आपको एंटीना का स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना एंटीना लगवा सकते हो। ऊपर अपना वही अपना लैंप मिल जाता है, ठीक है, जो भाई आजकल ट्रेंड में है सबसे ज़्यादा। अपनी जो टेल लाइट्स है वो पूरी कनेक्टेड मिल जाती है, जैसा देख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल आपको यहाँ पे नीचे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, नीचे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक सेंसर, और यहाँ पे दो सेंसर। पीछे ना अपने कैमरा कुछ भी नहीं है, ओनली 3D किया का लोगो दिया हुआ है, सोनेट की बैजिंग दी हुई है। तो भाई अब बात कर लेते हैं हम गाड़ी के बूट स्पेस की। आपको जो मैग्नेट स्विच है वो नीचे पीछे मिल जाता है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो भाई आपका बूट स्पेस खुल जाएगा, या तो बूट अनलॉक हो जाएगा। तो भाई अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ, तो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा बूट स्पेस है। तो अगर मैं इसकी साइज़ की बात करता हूँ, अप्रॉक्स 390 लीटर के आसपास आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको कुछ भी बूट लैंप वगैरह कुछ नहीं मिलता है, जैसा दिखा दूँगा आपको, ठीक है। इसमें ना ही आपको पार्सल ट्रे मिलेगी। और अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करूँ आपसे, तो भाई ये है स्पेयर व्हील का सेटअप, वही आपको सेम 195/65 R15 15 इंच का आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी कुछ कुछ टूल किट वगैरह रखी हुई है। तो भाई अभी टेल गेट कर देते हैं बंद। अब बात करेंगे हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो भाई ये है अपना गाड़ी का कुछ इंटीरियर। तो अगर मैं गाड़ी के इंटीरियर की आपसे बात करता हूँ, तो पूरा ही ब्लैक इंटीरियर है, ठीक है, ओनली सिंगल कलर में, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ भाई, जो गाड़ी के जो इंटीरियर प्लास्टिक यूज किया वो पूरा हार्ड प्लास्टिक है। और एक बार आप यहाँ तक देखोगे भाई, तो जैसा कि भाई ये जगह देख के पता चल जाता है गाड़ी बेस मॉडल, क्योंकि यहाँ पे ना म्यूजिक सिस्टम कुछ भी आता नहीं है। आपको जगह दी हुई है, आप आफ्टर मार्केट या फिर चाहो तो जब गाड़ी परचेज करते हो ना, तो शोरूम से ही एक्सेसरी के तौर पे आप म्यूजिक सिस्टम यहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करेंगे गाड़ी के फुली इंटीरियर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइवर साइड डोर की। यहाँ पे आपको नीचे एक स्पीकर का स्पेस मिल जाता है। ऊपर आपको ओनली जो फ्रंट की है वो पावर विंडो मिलती है, चारों पावर विंडो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं फिर क्योंकि ये बेस मॉडल है। और आपको जो ORVM से वो आपको एडजस्ट मिल जाते हैं, अंदर से आप इलेक्ट्रॉनिक इनको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आपको जो हैंडल है वो ग्रे फिनिश के साथ दिया हुआ है, यहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे कुछ डॉक्यूमेंट रख सकते हो, यहाँ पे बॉटल रख सकते हो, और भाई यहाँ पे ना आप एक अम्ब्रेला भी रख सकते हो, जो अपने साथ कैरी कर सकते हो आप। जो स्टेयरिंग है भाई, वो आपको लेदरेट या कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, आपको सिंपल सा ना फ्लैट बॉटम मिलता है, सिंपल सा स्टेयरिंग मिलेगा, जिसमें कुछ कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो अब बात करते हैं गाड़ी की भाई MID क्लस्टर की। तो भाई थोड़ी ये इसकी की है, ठीक है, की को इंसर्ट करेंगे, ये देखो भाई। तो मतलब जो इसका MID क्लस्टर है, वो जो पहली सोनेट पाता था वही है। जैसे यहाँ पर अपना स्पीडोमीटर हो गया,
आरपीएम मीटर, और यहाँ पे जो अपनी स्पीड वगैरह दिखाएगा वो आपको डिजिटल दिखाएगा, और सेंटर में डिजिटली कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जैसा कि ये लाइट्स, डोर, कन्वेंस, कुछ भी आप यहाँ से ट्रिप ए, ट्रिप बी, गाड़ी कितनी चलेगी, फ्यूल टू एम्प्टी, टोटल गाड़ी कितनी चल चुकी है, वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्विच ऑन ऑफ करने के बटन मिल जाते हैं, आपको गाड़ी में ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप अपने हेडलाइट अडजस्टर यहाँ पे मिल जाता है, अपने ये अपने एसी वेंट्स है, जो कि एसी वेंट्स में भी आपको ग्रे फिनिश का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे गाड़ी की लुक थोड़ी और अच्छी लग जाती है, थोड़ी स्पोर्टी सी। यहाँ पे आपको जो मैं बताया, यहाँ पे अपना म्यूजिक सिस्टम आप लगवा सकते हो, यहाँ पे अपना हेड, अब इसको ऑफ कर देते हैं, ओके तो वही यहाँ पे एसी वेंट दिए हुए, एसी वेंट भी पहले जैसे ऑलरेडी जैसे ही है, यहाँ पे वेंटिलेशन स्विच मिल जाता है, यहाँ पे एसी ऑन ऑफ करने के, और यहाँ पे आपको जो टॉप मॉडल में आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, बट इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है, तो आप इसको एज स्पेस यूज कर सकते हो, अपने वॉलेट, फोन कुछ भी कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है, ये 5 जैसा पता है पेट्रोल इंजन है, तो भाई ये 5 स्पीड मैनुअल आपको इसमें गियर बॉक्स मिल जाता है, ये अपनी कुछ गियर नॉब होगी यहाँ पे, और उसके साथ आपको 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, ये अपनी हैंड मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, ये अपना यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है, आप इसमें थोड़ा स्पेस है कुछ भी अपना कैरी कर सकते हो, कॉइन वगैरह, सनग्लासेस कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ये थोड़ा खाली सा बेकार सा लग रहा है, हालांकि जब 8-10 लाख खर्च कर, मतलब 8 या 9 लाख खर्च करता है बंदा, तो यहाँ पे भी सेंटर लाइट दे देनी चाहिए थी, जो इससे ऊपर वाले मॉडल में आती है। तो बाकी यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जो अब वो भी अपना, मतलब जो अपना मिरर है ये भी अपना ऑटो डिमिंग नहीं है, ये भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे मिरर नहीं दी हुई है, यहाँ पे भी आपको टिकट होल्डर मिरर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर मैं हॉर्न की बात करता हूँ, तो वही पॉप वाला हॉर्न दिया हुआ है, सिंपल। तो भाई जो सीट है वो अपनी फैब्रिक वाली मिल जाती है इसमें, और ये अच्छी चीज़ है बेस मॉडल में, जो दोनों अपने जो ड्राइवर को ड्राइवर साइड जो अपने हेडरेस्ट है वो अपने एडजस्ट में मिल जाते हैं, जो अपनी हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। बेंच टाइप गाड़ी की रियर सीट्स हैं, तो एक बार गाड़ी के पीछे चलते हैं। तो भाई अब हम आ चुके हैं गाड़ी के रियर सीट पे, तो सबसे पहले भाई पीछे डोर की बात करते हैं। आपको ये देखो, हाथ से हिलाने पड़ेंगे भाई, ये जो मिरर है ये आपको हाथ से ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। इसमें पावर विंडोज मिलती है, ओनली फ्रंट में मिलती है। यहाँ पे आप गाड़ी इतना पूरा ही ब्लैक डोर, बस यहाँ पे थोड़ा ग्रे इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ पे अपने एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे स्पीकर का स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो भाई एक थोड़ी सी चीज़ मेरे को लगी इसमें, मैं बताऊँ, जो मेरी हाइट है ना 5'8" है, एवरेज हाइट है, ठीक है। तो अपना मैंने जो अपनी ड्राइवर साइड जो ये सीट है ये अपने हिसाब से सेट कर रखी थी जब मैं आगे बैठा था अभी, बट अब ना इसमें लेग रूम देखो यार, थोड़ा स्पेस का थोड़ा मुझे इशू लगा इसमें। बाकी जो हेड रूम है, अगर मैं हेड रूम बात करूँ, हेड रूम तो अच्छा खासा मिल जाता है, बट थोड़ा लेग रूम और शोल्डर रूम भी ठीक ठाक, वो 3 बंदे आराम से इसमें बैठ सकते हैं। तो बाकी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल एक केबिन लाइट मिल जाती है, वो भी हेलोजन वाली। आगे जैसे मैंने बताया भाई, फ्रंट में कुछ भी मिलता नहीं है इसमें हेलोजन लाइट वगैरह, बस यहाँ पे सेंटर में दी हुई है। यहाँ पे वही हैंडल्स मिल जाते हैं, और भाई पीछे अपना एसी वेंट दिया हुआ है, यहाँ पे अपने चार्जिंग 2 सॉकेट दिए हुए हैं, वो टाइप सी वाले। और तो भाई गाड़ी पीछे से कुछ ऐसी लगती है, तो भाई गाड़ी लग कैसी रही है कमेंट जरूर करना। एक शोरूम प्राइस 7.99 लाख है, तो बाकी भाई हर स्टेट का अलग डिपेंड करता है भाई, नोएडा मैं सॉरी यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह मतलब डिपेंड करता है भाई आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज कितने हैं वहाँ पे। अगर मैं गाड़ी के इंजन की बात करता हूँ आपसे, तो जो गाड़ी का इंजन है पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर का इंजन है, बाकी सभी पता भाई किया के इंजन बहुत स्मूथ होते हैं। तो भाई जो हुड है अपना हुड भी अच्छा खासा भारी है, तो आपको जो सेफ्टी फीचर्स वगैरह है वो भी आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। भैया इसमें 6 एयर बैग और अपना ABS ABD अब स्टैंडर्ड कर दिया है ना, तो भाई किया ने अब क्या कर दिया, जो अपने बेस मॉडल है उसमें ABS EBD और अपने 6 एयर बैग कंपल्सरी कर दिए हैं। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस और चेक कर लेगा गाड़ी का, तो भाई 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको। तो भाई यही थी कुछ गाड़ी की वीडियो, बाकी आपको गाड़ी में कुछ भी पूछना हो तो भाई कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई चैनल पे न्यू हो तो भाई बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू।